हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने वाली हूँ। एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग, कॉफी पेंटिंग, जिसके लिए यहाँ मैंने एज यूजुअल जो आपको साइज चाहिए पेंटिंग का, उतना बड़ा आइवरी शीट ली है और पेंसिल से लाइट लाइट ड्राइंग करेंगे। आप लोग A4 साइज, A3 साइज, जो भी चाहें वो साइज ले सकते हैं। और आइवरी शीट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो ड्राइंग लाइट करी थी, उसके बाद उसको मैंने डार्क स्टार्ट किया है, उसको एक टोन और डार्क पेंसिल से कर दिया ताकि वो लाइंस अच्छे से दिखाई दें। उसके बाद जब आपकी कंप्लीट ड्राइंग हो जाएगी तो अब मैं यहाँ पर कॉफ़ी लूँगी। ये देखिए, ये मेरी कॉफ़ी सूख गई थी, ख़राब हो गई है, बिल्कुल ड्राई हो गई थी। तो इसको अब मैं कैसे यूज़ करूँगी, थोड़ा सा मैं इसको पेंसिल से या किसी भी नुकीली चीज़ से कॉफ़ी को निकाल लिया है मैंने। और अब मैं कॉफ़ी के ही 3 शेड्स रेडी कर रही हूँ। पानी को हम जब कॉफ़ी में कम डालेंगे तो वो बहुत डार्क बनेगा, उसके बाद हम उस पानी को ही ज़्यादा डालेंगे तो वो सेकंड टोन लाइट बन जाएगा, और थर्ड टोन के लिए हम ज़्यादा पानी मिक्स करेंगे। ये हमारे 3 टोन बन गए हैं कॉफ़ी के। सबसे पहले हम यहाँ पर पानी को वाटर कोटिंग करेंगे, मतलब सिंपल पानी को ही एक बार पूरी अपनी पेंटिंग पे लगा देंगे ताकि उस पर कॉफ़ी का टेक्सचर अच्छे से आए। उसके बाद मैंने लाइट टोन ऑफ कॉफ़ी लिया है, जिसको मैं हल्का हल्का स्प्रेड कर रही हूँ अपनी आइवरी शीट पे। इससे हमारा टेक्सचर जो है वो बहुत खूबसूरत आएगा कॉफ़ी का। ये देखिए, कॉफ़ी का कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है। इसके बाद जब हमारा ये टेक्सचर सूख जाए तब हमने आउटलाइनिंग करनी है। ये भी हम फर्स्ट टोन ऑफ कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने आउटलाइनिंग कर दी है पूरे गणपति की, और इस तरीके से जितनी भी डिटेलिंग है गणपति की फर्स्ट टोन से करी है, मतलब कॉफ़ी के सबसे लाइट कलर से की है। बीच बीच में आप रफ कपड़े से एक्स्ट्रा वाटर ज़रूर निकाल लें, और इस तरीके से हम पूरा मर्ज कर देंगे जो आपका फर्स्ट कोट होगा कलरिंग का। फर्स्ट कोट सूखने के बाद हम सेकंड कोट में आएंगे, इसकी डिटेलिंग करेंगे। सेकंड कोट में हमने जो लाइट कलर है उसी से एक टोन डार्क कॉफ़ी का लिया है, जिसमें हमने पानी कम मिलाया था, तो वो डार्क टोन हो गई कॉफ़ी की जो हमने सेकंड कोट की तरह यूज़ कर रहे हैं। सेम प्रोसेस फिर से हम आउटलाइनिंग करेंगे और डिटेलिंग उसकी करेंगे। इस तरीके से बीच बीच में एक्स्ट्रा पानी को रफ कपड़े से ज़रूर साफ़ करें, ज़्यादा पानी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए, सेकंड कोट आप सूखने के बाद ही करें। हमेशा कोटिंग, एक कोट जब आपका सूख जाए तब आप दूसरा करें। बीच में हमने वाटर ज़्यादा लगाया है ताकि ये देखिए इस तरीके से कॉफ़ी जब स्प्रेड होती है और उसका जो टेक्सचर है, उसका जो पानी निकलता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और ब्लैक कलर भी आप प्रॉपर नहीं लेंगे, यहाँ पर मैंने इसे कॉफ़ी के साथ मिक्स किया है, हल्का सा ब्लैक कलर यूज़ करते हुए थर्ड टोन हमने कॉफ़ी की ली है। सारी डिटेलिंग ज़्यादा डार्क टोन की हो जाएगी, ये डार्क ब्राउन, तो बिल्कुल लास्ट की थर्ड टोन ऑफ कॉफ़ी की डार्क ब्राउन कलर की होगी, जिससे हम सारी लास्ट की आउटलाइनिंग्स करेंगे और गणपति जी की जितने भी मुकुट है, ईयर है, ये सब लास्ट वाली टोन से डिटेलिंग कर देंगे। ये देखिए, सूखने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे गणपति। ये मैंने और भी आपको गणपति के डिज़ाइंस दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।